यह तिरंगा यात्रा हमारी पार्टी की सोच, हमारी सरकार की सोच कि जिन लोगों ने इस धरती माँ के लिए, इस भारत राष्ट्र के लिए को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का काम किया, कोई फांसी के फंदे पर चढ़ गया हंसते हंसते, किसी ने अपनी गोली से अपने भी प्राण निछावर कर लिए, किसी के पैरों में कीले तक के ठोंक दी गई लेकिन उस तक नहीं की, किसी के बच्चों को दीवालों में चुनवा करके उनका बलिदान कर दिया गया, और कुछ लोग अहिंसात्मक ढंग से देश की आज़ादी को दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। ऐसे सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, और मैं मानता हूँ कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो एक उद्देश्य भी है कि अगर हर भारतवासी के घर पर तिरंगा होगा, हर नागरिक के हाथ में तिरंगा होगा, तो जिन लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इच्छा के, न उनको एमपी होना था, न उनको एमएलए होना था, न उनको मुख्यमंत्री होना था, न उनको प्रधानमंत्री होना था, लेकिन अपनी जान न्यौछावर करने का काम किया इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उन लोगों की आत्माएं गर्व कर रही होंगी कि हमने अपनी कुर्बानी दे करके जिस तिरंगे को, जिस भारत देश को हमने आज़ाद कराने का काम किया है, उस भारत के लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर के, अपने घर पर तिरंगा लगा करके, हम बलिदानियों का, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिस उद्देश्य से हमने भारत को आज़ाद कराने का काम किया था कि भारत फिर से एक दिन विश्वगुरु बनेगा, तो भारत उस ओर अग्रसर हो रहा है। मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में भारत एक दिन, अगर ऐसे ही परंपरा हमारी चलती रही, लोगों ने साथ हमारा दिया, जैसा कि आपने अभी देखा कि हजारों लोग की भीड़, धूप में बरसात हुई तो बरसात में, फिर धूप हुई तो फिर धूप में, एक भी आदमी हटा नहीं। इससे परिलक्षित होता है कि हम अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पित हैं, और जिस देश में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे संभ्रांत लोग रहते हैं, उस देश को विश्वगुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।